नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स एक मल्टीवैगन शेयर बन सकता है या यहां से ये शेयर डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, या यहां से ये मल्टीवैगन रिटर्न देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल एनालिसिस को, इसके टेक्निकल एनालिसिस को, और ये पीछे सारे हम डिस्कस करेंगे कि कब कब ये जो है रिकवर किया है अपने प्राइस को, कब कब ये नीचे आकर के फिर से एक मल्टीवैगन रिटर्न दिया है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे जाएं और यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर के एक बार अवश्य देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही कम लाइक आता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके आगे के लिए। तो ये देख सकते हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं 10,000 का, 1,00,000 का, आगे हम 5,00,000 का बताएंगे। तो जरूर जाइए चैनल पे और सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। तो हम इसके जो प्रीवियस चार्ट है देख सकते हैं, हम ऑल टाइम्स का चार्ट देखते हैं। तो कब से कब टाटा मोटर्स नीचे गिरा है और ये शेयर कब कब फिर से रिकवर किया है, तो ये देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट है ये टाटा मोटर्स का। आप इस पे देख सकते हैं कई बार ये स्टॉक्स नीचे आया है। चलिए हम यहाँ से देखिए 2006 में हम इसकी बात करते हैं कि 2006 में इसका प्राइस था, देखिए 178 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं 178 रुपीज़। अब यहाँ आगे चलिए, देखिए ये 2009 में आप इसका प्राइस देखिए, देखिए 25 रुपीज़ तक आया है, 25 रुपीज़ 45 पैसे देख सकते हैं। 178 रुपीज़ प्राइस था, मतलब 200 के आसपास प्राइस था 2006 में। और 2008 में देख सकते हैं, दिसंबर 2008 में इसका प्राइस आ गया 25 रुपीज़ तक। और यहां से 25 रुपीज़ से ये फिर देखिए ये कितना रिटर्न दे रहा है। यहां पर आप चले आइए, देखिए यहां पर ये जो पिक वैल्यू टच किया है 2015 में, तो यहां पर देखिए ये 605 रुपीज़ 91 पैसा 2015 के फरवरी मंथ में। तो आप 25 रुपया से 605 रुपया का रिटर्न निकालिए कितना परसेंट हो गया, आप निकाल लीजिए ये हमारा कितना परसेंट हो गया। आपको 25 times कम से कम 25 गुना आपके रुपये को कर दिया है। तो अगर आप 1,00,000 रुपया इसमें लगाते थे तो आपको ये कम से कम 25,00,000 रुपये का रिटर्न देता। अगर उसमें भी अगर कोई स्प्लिट मिला हो, बोनस मिला हो, तब तो ये रिटर्न और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बेहतर रिटर्न दिया है, कितना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही अच्छा रिटर्न है, 25 times मतलब एक मल्टीबैगर रिटर्न। तो उसी तरह से फिर से हम देखते हैं अभी हमारा जो प्राइस है इसका, आज का प्राइस 76 रुपीज़। तो क्या टाटा मोटर्स फिर से एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? तो दोस्तों, जो आप चार्ट इसका देखें और जो टाटा ग्रुप का जो रिपुटेशन है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं ये फिर से एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ये हमारा ओपिनियन है, हम अनबायस्ड ओपिनियन दे रहे हैं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपको अपना रिसर्च करना है, आपका अपना रुपया है, आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, मैं खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ। क्योंकि जो टाटा ग्रुप्स की कंपनियाँ हैं जो लगातार इसका बिजनेस जो अब किस बार है, पिछले साल 2019 में जो टाटा ग्रुप्स में जो टाटा मोटर्स है हमारा यहाँ का बिजनेस उसको प्रॉफिट दिया इंडिया का, वहीं जो इसका जगुआर है, जो हमारा JLR है, जो चाइना मार्केटिंग है इसका, इसी का सब्सिडरी जो है हमारा JLR, वो हमारा निगेटिव रिटर्न दिया। तो इस तरह से 2019 में जो टाटा मोटर्स का इंडियन बिजनेस है वो हमारा पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इसका जो दूसरा मतलब सब्सिडरी ब्रांड है वो निगेटिव रिटर्न दिया चाइना में। वहीं 2018 में जो हमारा JLR है पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो वहीं इंडिया में जो टाटा मोटर्स है वो निगेटिव रिटर्न दिया। इस तरह से लगातार अपने ये बिजनेस में लगातार सुधार करते रहा है। तो इस तरह से अब जो इसका टाटा मोटर्स का यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो आगे वाला आने वाला समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में सक्षम हो जाता है, मतलब उसमें मार्केट लीडर हो जाता है, तो निश्चित है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा मतलब रिटर्न देगा। जैसे एक अच्छा रिटर्न देता है तो निश्चित है कि इसका स्टॉक जो है वो अप मूव करेगा। तो देख सकते हैं टाटा का जो प्रोडक्ट है हमारा,
इसका जो प्रोडक्ट है वो है कार, ट्रक्स, वैंस, कोचेज, बस, स्पोर्ट्स कार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मिलिट्री व्हीकल्स। तो ये इस सारे सेगमेंट्स में हमारा जो है टाटा मोटर्स है। अब जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में बात करें तो इसका जो देख सकते हैं, टाटा मोटर्स हैव अनविव्ड इलेक्ट्रिक वर्सन ऑफ टाटा इंडिका पैसेंजर कार पावर्ड बाय TM4 इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इन्वर्टर्स एज वेल एज टाटा ACE कॉमर्शियल व्हीकल। तो देख सकते हैं सारा जो ये है, बोथ ऑफ विच रन ऑन लिथियम बैटरीज। सब ये दोनों के दोनों जो इसका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आ चुका है, ये लिथियम बैटरीज पर हमारा मूव करता है। अब ये लिथियम बैटरीज का क्या खूबी है देख सकते हैं, जो टाटा मोटर्स है अनाउंस्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार फॉर पर्सनल बायर्स, पर्सनल जो बायर्स है उसके लिए भी हमारा ये अपना टाटा मोटर्स जो है इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर चुका है, जो कि एक बार चार्ज करने पर 213 किलोमीटर जाएगा सिंगल चार्ज पे। और इसका जो शोरूम प्राइस है देख सकते हैं 9,44,000। तो जैसे ये हमारा मार्केट में अपना अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे 40% 30% का कंट्रीब्यूशन अगर रहता है तो निश्चित है कि ये जो टाटा मोटर्स के स्टॉक है फिर से एक बार मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि ये पहले भी कई बार कर चुका है। जो आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो यहाँ से देखिए 200 से फिर से 25 रुपीज़ पाया, 2008 का 9 का जो क्राइसिस था फिर से ये एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया, यहाँ पर 600 रुपीज़ का फिर से ये नीचे आया, यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपीज़ पर फिर से ये उसी प्राइस पर 600 रुपीज़ पर चला गया, और फिर से ये आप देख सकते हैं 76 रुपीज़ पर भी मिल रहा है। लास्ट ये 65 रुपीज़ तक आया था लास्ट मंथ मार्च में। तो इस तरह से बार बार टाटा मोटर्स अपने हिस्ट्री को रिपीट किया है। तो कहा जाता है हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, अगर हिस्ट्री फिर से रिपीट होता है तो निश्चित ही यह एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा। इसका जो बहुत सारे मतलब सब्सिडरी ब्रांड है जैसे देख सकते हैं जगवार, लैंड रोवर, टाटा, ये अभी निगेटिव है, मतलब इसका जो बिजनेस है अभी वो निगेटिव टर्न ओवर दे रहा, मतलब निगेटिव प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये प्रॉफिट में आ जाता है चाइना मार्केट अभी जो ग्लोबल क्राइसिस था उसमें सारे के सारे मार्केट निगेटिव में है, तो अब जो चाइना मार्केट खुल रहा, अगर ये इसका जो प्रोडक्ट है अगर चाइना में इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अगर ये पॉजिटिव रिटर्न देता है तो यहाँ का जो मार्केट है वो भी टाटा मोटर्स का पॉजिटिव दे रहा है, तो फिर से ये कंपनी अपना जो है रिकवर कर लेगा, इसका स्टॉक्स भी अपना प्राइस रिकवर कर लेगा। वहीं आप देखिए इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ देख सकते हैं टियागो, बोल्ट, टाइगर, जिस्ट, देख सकते हैं हरिहर, नेक्सॉन, सुमो, हेक्सा, यहाँ देख सकते हैं सफारी, बहुत फेमस ब्रांड है ये सब, इसमें बहुत सारे ब्रांड आपको देखे होंगे, बहुत सारे फेमस है। तो ये कमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स व्हीकल भी बनाते हैं, साथ साथ मिलिट्री व्हीकल भी बनाते हैं। तो बहुत सारे टाटा मोटर्स के जो ब्रांडेड है बहुत ही पॉपुलर है। तो आपको अगर लगता है कि ये आगे चल के अच्छा मतलब रिटर्न दे सकता है तो आप टाटा मोटर्स में अपना जो स्टॉक्स है वो बाय कर सकते हैं, अभी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है। ये मेरा अपना अनबायस्ड मतलब कोई बायस ओपिनियन नहीं था, हमारा अपना खुद का ओपिनियन था कि ये फिर से अपना हिस्ट्री रिपीट कर सकता है, और अगर ये इसका बिजनेस अगर रिकवर कर लेता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं अगर उसमें मार्केट कंट्रीब्यूशन अच्छा होता, अगर मार्केट कंट्रीब्यूशन उसमें अच्छा नहीं रहा, चाइना मार्केट भी अच्छा नहीं रहा, तो ये स्टॉक फिर अपने प्राइस को रिकवर नहीं कर पाएगा, मतलब अपना हिस्ट्री रिपीट नहीं कर पाएगा। तो हिस्ट्री कब रिपीट नहीं करेगा, हमने दोनों बात बताया आपको। अगर इसका मार्केट अच्छा लेता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, साथ साथ जो इसका जे एल आर मार्केटिंग है चाइना का, तो ये अपने हिस्ट्री रिपीट करेगा, फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक ये बन सकता है। अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं किया तो ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं बन पाएगा। तो ये आपको देखना है कि ये एक मल्टीबैगर रिटर्न बन सकता है, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं। अगर दे सकता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस कुछ अमाउंट करें, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं उस पर खर्च करते हैं, कहीं पार्टी करने जाते हैं उस पर खर्च करते हैं, उस रुपया को आप टाटा मोटर्स में लगा सकते हैं। अगर टाटा मोटर्स आपको रिटर्न दे देते हैं साल, दो साल, तीन साल में, तो आपके वो मनी बहुत ही अच्छे एक मल्टीबैगर रिटर्न के रूप में कई टाइम्स हो जाएंगे, तो जिससे आप उस मनी को आगे अच्छे से खर्च कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा टाटा मोटर्स में क्या करना है उसको समझने में।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।